ड्रीम्स दुनिया की एक ऐसी चीज जो हमें सामने तो नहीं दिखती बट हम इस चीज को अपने माइंड में जरूर फील कर सकते हैं और इसे देख भी सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करने वाला हूँ सपनों के बारे में। क्या सपनों का ना हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा होता है? सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आपसे 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके सपनों से जुड़े हुए हैं, आपके ड्रीम्स से जुड़े हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आपसे हर दिन मिलता रहूं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट ड्रीम्स। फैक्ट नंबर 1, जिस पर्सन का जितना ज़्यादा IQ लेवल होता है उसे उतने ज़्यादा सपने आते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा सपने आते हैं तो आप ये मत सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअल में जिसका IQ लेवल ज़्यादा होता है उसे उतने ज़्यादा सपने आते हैं। फैक्ट नंबर 2, हम अपनी लाइफ का अप्रॉक्स 6 साल सपने देखने में बिता देते हैं। फैक्ट नंबर 3, हमारा माइंड कभी भी किसी के फेस को क्रिएट नहीं करता। एक्चुअल में हमारा जो माइंड होता है वो कभी भी अपने आप कोई नया फेस क्रिएट नहीं कर सकता। हम जो भी ड्रीम्स में किसी का भी फेस देखते हैं, एक्चुअल में हमने कभी ना कभी उसको ज़रूर देखा होता है, तभी वो हमारे सपने में आता है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई नया पर्सन हमारे सपने में आया है। एक्चुअल में हमने जो देखा है, जिन लोगों को देखा है, वही हमारे सपने में आते हैं। फैक्ट नंबर 4, ब्लाइंड पर्सन कि जो लोग अंधे होते हैं वो अपने सपने में किसी का फेस नहीं देखते हैं। एक्चुअल में वो अपने सपने में फीलिंग्स, कोई साउंड या फिर कोई स्मेल को अपने सपनों में फील करते हैं। एक्चुअल में इसका रीज़न ये होता है कि जो अंधे लोग होते हैं उन्हें कभी भी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। अगर उन्हें दिखाई नहीं देती तो उनका माइंड जो होता है वो नई इमेज को क्रिएट नहीं करता और माइंड में कोई भी इमेज होती भी नहीं है, इसलिए सपनों में उन्हें कोई भी इमेज दिखाई नहीं देती। फैक्ट नंबर 5, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनको नॉर्मल पर्सन के कंपेयर में 3 to 5 times ज़्यादा सपने आते हैं। कि 3 to 4 times ज़्यादा सपने आते हैं जो लोग डिप्रेशन में होते हैं इन कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। फैक्ट नंबर 6, फ्रेंड्स, जब भी हम उठ जाते हैं, सोने के बाद जब हम उठते हैं तो हमें एक्चुअल में कभी भी ये बात याद नहीं होती है कि हमारा जो सपना था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। फैक्ट नंबर 7, फ्रेंड्स, ऐसा बोला जाता है कि अगर एक बार हमारा सपना टूट जाता है तो हम उसे दोबारा नहीं देख सकते, बट एक्चुअल में ये रियलिटी नहीं है। यदि ऐसा होता है कि आपको कोई अच्छा सपना आ रहा है और कोई रीज़न की वजह से आपकी अचानक नींद खुल जाती है और आप तुरंत दोबारा से सो जाते हो, तो इस बात की ज़्यादा गुंजाइश होती है कि आप वो सपना फिर से देख सकते हो जहाँ से वो टूटा था। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट एक्चुअल में स्पेशली फीमेल्स के लिए हैं। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं उन फीमेल्स को ज़्यादा सपने आते हैं, दूसरे लोगों के कंपेयर में उन्हें ज़्यादा सपने आते हैं। उनके अंदर होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके साथ ऐसा होता है। फैक्ट नंबर 9, कई ड्रीम्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसे ड्रीम्स को हम लूसिड ड्रीम्स कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सपने देखने की वो कंडीशन होती है जिसमें आपको पता होता है कि आप सपने देख रहे हो, हालांकि उस टाइम पे आप सो रहे होते हैं। और ये नींद की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा माइंड कॉन्शियसनेस से सबकॉन्शियसनेस की ओर बढ़ रहा होता है। फैक्ट नंबर 10, फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सपना लोग किस बारे में देखते हैं? सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको फाइनली बता ही देता हूँ कि लोग सबसे ज़्यादा सपना किस बारे में देखते हैं। एक्चुअल में लोग सबसे ज़्यादा सपना अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को चीट करते हुए देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ थोड़ा सा शॉकिंग लगेगी बट एक्चुअल में ये चीज़ सही है। ये उन सपनों में से एक है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।
और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आपसे हर दिन मिलता रहूं।